हमारे यहाँ प्राचीन जीवन है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चीन है, इसे हम बीच में फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ पता नहीं लगता, कभी युद्ध ना हो जाए। हमें अगर रिश्ता कायम करना है खुदा के वास्ते, इन लड़ाई को छोड़ कर कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बातचीत से नहीं है। वो कब होगा वो भगवान को होगा। फिर जब भारत में देखते हैं मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को उड़ाया जा रहा है, उसका असर हमारे बच्चों पे है, क्या करोगे आप? शिकार तो हम हो जाएंगे ना, जो भारत के साथ खड़े हैं, शिकार तो हम हो जाएंगे, हम मारे जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं भारत के सिवा हमारा कोई रास्ता है नहीं। हमारे यहाँ बाची मुसीबत है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चीन है, इसे हम बीच में फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ पता नहीं लगता, कभी युद्ध ना हो जाए, अरे तो हम ही जाएंगे, गरीबी मारा जाएगा और क्या होगा। वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मुख्यमंत्री था, मुझसे पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखिए, हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करके ये निपटाना चाहिए। आप जा रहे हो, बस से जा रहे हो, वहाँ उनसे बात करिए, उनसे कहिए वो प्रांत अपना रख ले, हमें छोड़ दे, लाइन सीधी कर दे, लाइन को आसान बना दे कि हम लोग आ सकें, जा सकें, शादियाँ कर सकें, ट्रेड हो सके, तो ये नफरत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो वहाँ भी लोग उठाते हैं कि देखो जी ये है, वो है, लटरम है, और लोगों में एक उसका असर पड़ता है। और उन्होंने कहा अच्छा मैं ये करूँगा। गए, पार गए, वहाँ नवाज शरीफ से बात की, और नवाज शरीफ से ये बात की, और नवाज शरीफ ये मान गए कि यही एक रास्ता है। मगर उन्होंने कहा आज फौज जो है वो ये मानेगी नहीं, जब तक फौज नहीं मानेगी नहीं हो सके। अब उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता बातचीत से निकलेगा। जब हम चीन से बात कर सकते हैं, वो हमारे घर के अंदर घुसा हुआ है और रोज आगे चल रहा है। मैंने अभी अपने स्टाव का स्टेटमेंट अपने आर्मी के जो बड़े हैं रावत साहब, कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। तो अगर आप चीन से बात कर सकते हो, ये इस नेबर है, इसे क्यों नहीं बात कर सकते? देखिए मैं आपको बताऊं, आज इस लड़ाई से मुसलमान और हिंदू का रिश्ता दूर हो रहा है, और यही नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों के कॉन्फ्रेंस थी अभी, लेबर कॉन्फ्रेंस थी, उसके वो जो वहाँ पे हिंदू फॉर लेबर उसके जो लीडर हैं पटेल, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप बोलिए इस पर। नहीं बोल सका, हमारे यहाँ भी बिजली की कटौती होती है, मुझे नहीं पता यहाँ राजस्थान में होती है या नहीं, तो हमारे वो इंटरनेट वगैरह नहीं चलते। तो मैंने उनके वो जो वाइस चेयरमैन है उनसे बात की, उनने मुझसे कहा साहब हमारे वतन में भी अब इतना अंतर बढ़ रहा है हिंदू और मुसलमान में कि हम डर रहे हैं कि होगा क्या। इसे हमें अगर रिश्ता कायम करना है तो हमें खुदा के वास्ते इन लड़ाई को छोड़ के कोई रास्ता निकालना, रास्ता बातचीत से निकलेगा। वो कब होगा वो भगवान जानता है। शांति क्यों नहीं है बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, आप आइए देखिए, लोगों से बात करें। आपका मीडिया फ्री नहीं है, आप कोई साफ लिख नहीं सकता, लिखेंगे तो जेल जाएंगे। ये वो ये जहाँ ये चीज़ हो कि हर तरफ से दबाव हो, कैसे आप आगे चलेंगे? 50,000 नौकरियों का हमारे यहाँ युवा पढ़े लिखे हैं, MA है, PhD है, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, बेकार बैठे हुए, क्या होगा उनका फ्यूचर क्या है? फिर जब भारत में देखते हैं मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को उड़ाया जा रहा है, उसका असर हमारे बच्चों पर है, क्या करोगे आप? शिकार तो हम हो जाएंगे ना, जो भारत के साथ खड़े हैं, शिकार तो हम हो जाएंगे, हम मारे जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं भारत के सिवा हमारा कोई रास्ता है नहीं। मेरे वालिद ने 47 में यह फैसला किया था कि टू नेशन थ्योरी नहीं है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग, नहीं, हम सब एक हैं। मगर जिस तरह स्थिति बन रही है उससे डर लग रहा है, उस स्थिति को इनको ठीक